मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं। दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल के गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूं, 130 प्लस तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। ना केवल विदाई तय है लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त। मैंने सदैव आप लोगों से कहा था कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण की योजनाएं, जो गरीब उत्थान की योजनाएं, सेवा और सुशासन की जो हमारी सरकार है, जनता का पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल कई कहानियां मैंने सुनी कि लड्डू कोई एकत्रित कर रहे थे, कोई शाबाशी शाबाशी की बैनर्स पोस्टर्स लगवा रहे थे, और मैंने सदैव कहा था कि नतीजे का इंतज़ार करो। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, और समूचे मध्य प्रदेश की जनता को मैं नमन करता हूं। और अभी रुझान आ रहे हैं, अंतिम नतीजे तक हम लोग इंतज़ार करें, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत नहीं लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। मैंने आपको सदैव कहा मैं ज्योतिष नहीं हूँ, तो मैंने कहा है बहुमत नहीं, पूर्ण संपूर्ण बहुमत के साथ सरकार। क्या कारण मानते हैं जनता का इतना समर्थन मिला है, क्या वजह है? मैंने यही कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, प्रदेश में हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, इन सभी के आधार पर हमारा जनता के साथ एक व्यक्तिगत और हृदय का संबंध, सुशासन की सरकार, यही कारण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिग्विजय सिंह दो दिन से आप पर अटैक कर रहे हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा कि हमारे पास सिंधिया जैसे नहीं है, हमारी कांग्रेस नहीं टूटेगी, हॉस्टेडिंग नहीं होगी, उनके हर एक बद्दुआ का मैं स्वागत करता हूं। और दिग्विजय सिंह जी को मैं अपने तरफ से, अपने दिल की गहराइयों से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूं। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूं, 130 प्लस सर, निर्दलीय और इन बाकियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो रहे हैं। 2000 आज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है, आपने सुबह जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे? अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो करने की बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर, पोस्टर्स लगाए गए हैं शुभकामनाओं के, कमलनाथ जी पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर, पूरे लगाने वाले से पूछो। सर, 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप? जी हाँ जी हाँ।